चेंज में अंतर क्या होता है जैसे अगर कोई सब्सटेंस ए है उसको हम बी में कन्वर्ट कर दें मतलब ए से बी में कन्वर्जन हो गया और फिर अगर हम चाहें कि बी वाला ए में कन्वर्ट हो जाए तो अगर ये बी वाला ए में कन्वर्ट हो जाता है मतलब तो ए से पहले हमने बी में किया फिर बी वाला भी ए में कन्वर्ट हो जा रहा है अगर आसानी से आसानी से अभी किसी भी तरीके से दैट इज़ फिज़िकल चेंज इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज लेकिन अगर ऐसा हो कि हम जो है फिजिकल सॉरी कोई सब्सटेंस ए है और बी है पहले हमने ए से बी में कन्वर्ट कर लिया लेकिन अगर हम हम ये चाह रहे हैं कि बी फिर से ए में हो जाए तो ये नहीं हो पा रहा है तो दिस इज टाइप ऑफ केमिकल चेंज इसको बोलते हैं केमिकल चेंज एग्ज़ाम्पल के लिए फिजिकल चेंज का जैसे आइस होता है आइस क्यूब है ये पहले पानी में अगर हम कन्वर्ट कर दें वाटर में हो गया फिर अगर हम इसको फिर चाहें कि अगर ये आइस में हो जाए तो हो जाता है इसको फ्रीज़ करेंगे जब वाटर को तो फिर आइस में हो जाता है तो ये फ़िज़िकल चेंज में आया क्योंकि ए ये ए से बी में गया फिर बी से ए भी आ जा रहा है ये हो जाएगा दैट इज़ फिजिकल चेंज ठीक है लेकिन केमिकल चेंज का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे मान लो दूध है मिल्क है अगर इसको हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं दही जमा लेते हैं जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो अब इस कर्ड को दही को फिर से मिल्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है दैट इज़ केमिकल चेंज कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चेंज जिसमें एक बार कन्वर्ट होने के बाद दोबारा रिकन्वर्ट ना हो पाए उसको केमिकल और जो अगर रिकन्वर्ट हो जाए उसको फिजिकल ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारी फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में अब लाइन बाय लाइन हम देखते हैं ठीक है बेटा देखिए एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन आर योर सराउंडिंग दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेज ठीक है फॉर एग्जाम्पल योर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व सुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक चीनी डालने के लिए पानी में हो सकता है आपकी माता जी बोली मेकिंग ए सूगर सोलोशन इज एज चेंज ये चेंज है एक सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एज चेंज जो भी मैंने एग्जाम्पल भी, भी दिया था आपको समटाइम्स मिल्क बिकम सो सोरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज टपन हो जाना या ठीक है ना यह भी एक चेंज है स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट चेंज स्ट्रेच रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करें तो ये भी एक तरह का चेंज रिप्रेजेंट करता है ठीक है मेक ए लिस्ट ऑफ टेन चेंजेस अराउंड यू ये आप कर सकते हैं करेंगे इन दिस चैप्टर वी विल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिज चेंजेस ठीक है ना ब्रॉडलीट इज फिजिकल एंड केमिकल अब देखिए ये पेपर पीसेस हैं इनका कुछ काम होगा भी हम देखते हैं आगे पेपर पीसेस दी द पेपर पीसेस ओके okay? तो विल सी अब पहला पढ़ना फिजिकल चेंज फिज़िकल चेंज पढ़ना उसमें एक्टिविटी है उस एक देखने से कट पीस ऑफ पेपर इन फोर स्क्वायर पीसेज भाई जो मैंने कहा ना एक कहीं काम आएगा फ़ोर स्क्वायर पीसेस में कट करना है पहले ठीक है ना कट ईच स्क्वायर पीसेज फर्दर इंटू फोर स्क्वायर पीसेस मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर पीस लेना है बड़ा सा कोई उसमें चार एक दो तीन चार करना और फिर एक एक में भी चार चार कर देना है ठीक है ना यही कह रहा है देखिए कट ईच स्क्वायर पीसेज फर्दर इंटू फोर स्क्वायर पीसेस ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द सेप ऑफ ए औरजिनल पीस ऑफ पेपर इस तरह से अरेंज करना है इनको काटने के बाद ठीक है ना ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस हम का ऐसा सिर्फ बना दीजिए लेकिन हम उनको ऐड नहीं कर सकतेटली exactly कि ओरिजिनल पीस बन जाए बट इज़ देयर अ चेंज इज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर क्या इसके प्रॉपर्टी में चेंज आई नहीं आई क्योंकि ये भी वही पेपर है ये भी वही पेपर है ये भी वही पेपर है ये भी वही पेपर है, है।, है। प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आई ठीक है ना अब एक्टिविटी सिक्स पॉइंट टू देखते हैं कलेक्ट अ चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ नियर द चॉक वोड इन योर क्लासरूम उस डस्ट को कलेक्ट करें और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इंटू डस्ट एड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक ए पेस्ट उसमें ऐड डाल के उसका पेस्ट बना लें रोल इट इंटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक ठीक है ना बात समझ में आई डस्ट मेक ए पेस्ट बना लिया रोल इट इंट द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चाक इसको चॉक के शेप में एक बार रोल करना है लेट इट ड्राई सूखने दीजिए डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट क्या ऐसा मिल रहा है तो so, एक्टिविटी से अभी हम निकालेंगे कुछ ना कुछ करेंगे अब एक्टिविटी सिक्स पॉइंट थ्री देखते हैं टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन इन द सन ठीक है ना यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर आइस खूब सारा लेंगे और उसका कुछ पोर्शन मेल्ट कर लेंगे हम सन की प्रेजेंस में और तो अब मिलेगा क्या अगर कुछ पोर्शन मेल्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो आइस और वाटर दोनों का मिक्सचर मिलेगा नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर फ्रिजिंग मिक्सचर मतलब आइस प्लस कॉमन साल्ट इसमें उस पूरे मिक्सचर को जब रखेंगे आइस प्लस कॉमन साल्ट को बोलते हैं क्या फ्रीजिंग मिक्सचर इसमें जब हम रखेंगे तो हो गया क्या वो फिर से जो पिघला हुआ पानी होगा फिर से आइस में कन्वर्ट होगा और ये भी पूछ भी रहा है क्या कि डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन येस इज ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम देखेंगे अभी सारा कुछ ठीक है ना सारे आ, एक्टिविटी के बाद हम जो है चेंज पर आएंगे ठीक है ना सिक्स देखते हैं क्या है बॉयल समवर्ट इन द कंटेनर उबालिए डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सफेस ऑफ वाटर देखेंगे भाप निकल रहा है होल्ड एंड इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट समस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर जैसे यहाँ पानी है उबाल रहे हो तो यहाँ से वह पर ऐसे भाप निकला तो ऊपर एक कोई पात्र ऐसे ही ले रख दो रख दो मतलब ऐसे इन्वर्ट करके उस पर ऊपर से ढके रहो लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके ठीक है ना ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पेन तो आप देखोगे तो ये जो वेपर जो जा रहा है तो इसे लड़ लड़ के इसके सर्फेस की जो इनर वाला अंदर वाला सरफेस होगा ये ऊपर वाला ऊपर वाले का अंदर वाला जो सरफेस उस पर पानी की बूंदें आपको दिखने लगेंगी ड्यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देर हाँ दिखेंगी तो क्या हो रहा है कि गैस गैस हो रहा है गैस में कन्वर्ट हो रहा है शुरू में गैस में लेकिन यहाँ से टकराने के बाद फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो चेंजेस की बात हो रही है ठीक है ना एक सेकेंड ठीक है मतलब ऐसे कुछ है यहाँ से भाप निकला यहाँ कुछ रखे हैं तो इसके इनर सरफेस पे टकरा के फिर बूंद बन जाएगा बूंद तो पहले पानी था पानी से गैस बना गैस से फिर पानी बन गया तो ये फिजिकल चेंज में आएगा अभी सब डिस्कस होगा अब सिक्स पॉइंट फाइव देखते है हैं एक्टिविटी कॉशन बी केयरफुल बाई हैंडलिंग ए फ्लेम ये फ्लेम को हैंडल करते समय थोड़ा कॉशिश रहना है अब देखिए <coughs> होल्ड ए यूज हैक् शॉप ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टंग्स ठीक है कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज अगर चेंज होता है क्या तो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम अब फ्लेम से निकाल लेना ब्लेड को ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम डज इट गेट ब्लेक बैक इट्स ओरिजिनल कलर अगर हाँ अगर ओरिजिनल कल में हो जा रहा है हटाने के बाद फ्लेम से तो फिजिकल चेंज होगा इन एक्टिविटीज़ सिक्स पॉइंट एंड वन एंड सिक्स पॉइंट टू यू सॉ दैट द पेपर एंड अ पीस ऑफ चाक अंडर वेट चेंजेज इन साइज साइज में तो चेंजेज हो जाएगा जब हम पीस वाला करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चाक वाला भी थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है इन एक्टिविटीज़ सिक्स पॉइंट थ्री एंड सिक्स पॉइंट फोर वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फ्रॉम गैस टू लिक्विड जो हमने बताया अभी इन एक्टिविटी सिक्स पॉइंट फाइव द हैक शॉफ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग प्रॉपर्टीज सच एज सेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसार्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज बात समझ में आई जैसे सेप हुआ साइज हुआ कलर हुआ और स्टेट हुआ उस चीज़ का ऑफ सब्सटेंस इफ्सेंसार्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टी और इसी को हम चेक करें इन एक्टिविटीज़ में ना ए चेंज इन विच सबस्टेंस अंडरगोज एज चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इस कॉल्ड ए फिजिकल चेंज अब इसमें दूसरी तरह के हमने जो कॉमन आपको अंडरस्टैंडिंग बताई थी वो भी वो भी सही है लेकिन ये भी सही है कि अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी ऊपर एक्टिविटीज़ हुई वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे सेप में चेंज हुआ साइज में चेंज हुआ कलर में चेंज हुआ स्टेट में चेंज हुआ तो अगर इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज होगा ठीक है ना फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब होता है वही जो हमने बताया कि ए बी में गया तो बी रिवर्स होकर फिर ए में आ जाएगा तो रिवर्सिबल ठीक है इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म नो न्यू सब्सटेंस मतलब बर्फ से पानी बना पानी से फिर बर्फ़ बना कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता ठीक है लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज ये अब केमिकल चेंज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा थैंक यू